सर आपने प्रोटीन की बात की जिसे हमें एम्फेसिस किया था, तो सर एज अ वेजिटेरियन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वेजिटेरियन के पास एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि अगर आप देखे जाए तो एक बाइपोलर डिबेट सालों से चलती आ रही है, पर अगर साइंटिफिकली देखें तो डीआईए स्कोर और बायोएबिलिटी हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सर बायोएबिलिटी देखे और अगर कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स अगर हम साथ में ले तो अगर वेजिटेरियन भी उतना ही अच्छा हो सकता है। तो सर वेज और नॉन वेज में आप क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम अ प्रोटीन प्रोसेस? बायोअवेलेबिलिटी तो भाई बुलशिट है, ठीक है, क्लियरली बुलशिट है। क्यों बुलशिट है? क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी शुरू होती है यहां से, आपके दांतों से, ठीक है। तो हाँ, तो जो आदमी चाहे नॉन वेज प्रोटीन खा रहा है या वेज प्रोटीन खा रहा है, अगर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि वो स्टैक्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो वहाँ हैं वो टूट के अमाइनो एसिड लेवल तक कितने अच्छे से टूटते हैं, और जो टूट गया वो परमियबिलिटी तो रहेगी, वो क्रॉस करेगा। सो जो वेजिटेबल्स में है उसमें टूटने में टाइम लगता है, उसमें टूटने में टाइम लगता है, इसलिए उसको अच्छे से चबाना खाना, आपके बॉडी में एसिड लेवल्स अच्छा होना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट जब कोई लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन्स, वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी कम है और ये प्रोटीन जो हमने ऑलरेडी प्री डाइजेस्ट करके चबा चबा के दाने दाने करके पाउडर फॉर्म में दे दिया उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो यही बात हो जाती है कि रोटी की जगह ग्लूकोज ले लो, एक रोटी की जगह 2-4 चम्मच ग्लूकोन डी ले लो, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मुझे नहीं लेनी बायो अवेलेबिलिटी, क्या करना है, मैं चबा लूंगा मैं चबा लूंगा भैया, चबा के खाने में मेरी एनर्जी यूज होती है, so that itself is like an energy expenditure. So the point is simple. Point is लोगों को knowledge नहीं है, इसलिए उनको bioavailability का word सुनने में आता है. But साम दाम body के लिए protein same है, right? Rather the difficult, जितना difficult है protein निकालना, उतना आपका metabolism उसमें काम करेगा। हाँ, इतना है कि एक बार में कम खाना पड़ेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना पड़ेगा, हैवी मील लोगे तो स्टमक अपसेट होगा, उसका एडजस्टमेंट दूसरे तरफ से है, है कि नहीं? इट्स अ सिंपल फैक्ट। सर तो एक वेजिटेरियन प्रोटीन हम कौन कौन से लेने चाहिए, मतलब बेस्ट वेजिटेरियन? अगर मैं कभी जिंदगी में वेजिटेरियन हो गया तो दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क एंड उसमें दूध में दूध पनीर लस्सी छाछ ये आपका अच्छी मात्रा में आप ले सकते हैं अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो। उसमें लो फैट मिल्क, स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क और उसी की बनी हुई पनीर, उसी का बना हुआ दही ज़्यादा अच्छा है मोटे लोगों के लिए। पतले लोग फुल क्रीम भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा वेट कम है तो, या बच्चे फुल क्रीम भी ले सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में उतने फैट्स का यूज़ है। और फर्स्ट प्राइमरी सोर्स अगर मैं वेजिटेरियन होता तो मेरा दूध होता। अगर वेगन हूँ कि दूध भी नहीं लेते हैं तब बात आ जाती है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तब आइदर हमारे पास ऑप्शंस है दाल का, दाल रोज खानी है, फिर दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, 1 या 2 कटोरी दाल आपको रोज खानी चाहिए। और ऑब्वियसली हमको दूसरी तरफ यूरिक एसिड लेवल्स का भी ध्यान रखना है, दारू वारू नहीं पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। और वेजिटेबल्स में मशरूम्स हैं, सोयाबीन है, सोया चंक्स है, ये लिमिटेड क्वांटिटीज में आप डेली बेसिस पे ले सकते हो इसको अपना प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करने के लिए। इसमें वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम ये होता है कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स के वजह से कई बार हम पूरी तरह से उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स को कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बट उसका इतना बड़ा वो रोल नहीं है कि भाई वो लॉन्ग टर्म में कोई मेजर इशू करेगा। तो अगर आप वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार में खाते हैं, दिन में 4 मील 3 मील अच्छे से खाते हैं तो वो पूरा हो जाना चाहिए। और नहीं भी हुआ तो साल 2 साल में एक बार टेस्ट करवा के आप अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हैं थोड़े से, बस।